खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी की करहल से बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन किया है। बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह यादव ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्य मंत्री असीम अरुण और प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। बीजेपी इस बार जो है सपा के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए तैयारियाँ जोरों पर कर रही है। बता दें कि योजना को लेकर जनता के बीच लगातार कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह हमारे साथ हैं और जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जिसमें उपचुनाव है और जिसके तहत 30 मंत्री जिसमें 13 कैबिनेट मिनिस्टर 17 राज्य मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है, खासकर अहम अपने अपने क्षेत्र की, जहां पर अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सीटों को विजयी पताका लहराएं। लेकिन इस जो भाजपा के प्रत्याशी अनुजेश प्रताप सिंह यादव जो हैं, उनमें अहम भूमिका इस बात की रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह ने जो एक सैफई परिवार से जिसमें एक जड़ के हैं उनको निकाल के उन्हीं के विरोध में खड़ा किया गया है। हम जान लेते हैं कि मंत्री जी इस संबंध में क्या कहेंगे, किस तरीके से पैरा तैयार करेंगे। इस बार जीत हासिल है, कमल खेलने वाला है करल में। मंत्री जी, मंत्री साइकिल पंचर की बात कही है आपने और अहम 9 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री जी 13 मिनिस्टर और 17 राज्य मंत्रियों को 9 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है, मैनपुरी की सीट कैसे आप देखते हैं? मैनपुरी जीतेगी, लेकिन आपने एक मोहरा अहम जो चुना हुआ है सैपई परिवार की जड़ से, आपने एक ऐसे प्रत्याशी को निकाल के उनके विरोध में ही खड़ा कर दिया, क्या कहेंगे? यहीं रहो यार, क्या कहेंगे? देखिए, परिणाम जनता हमारे पक्ष में देगी। करहल में, करहल से सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ उपचुनाव हो रहा है, कमल खिलेगा। लेकिन मंत्री जी, ये देखा गया 1998 में जो फाइट रही थी, उसके बाद 2002 में कमल खिला था, अब की बार क्या तीसरी बार वही रिपीट होगा?